यूनिवर्सिटी कोर्सेज कौन कौन से करवाती है, क्या क्या मेंशन है जानिए। इस यूनिवर्सिटी के पास सबसे पहले देखो स्कूल ऑफ कॉमर्स लिखा है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट। स्कूल ऑफ कॉमर्स का मतलब क्या है, बीकॉम एमकॉम आप कर सकते हो इस यूनिवर्सिटी से, सभी यूनिवर्सिटी करवाती है, ये भी करवा सकती है। क्लास को विजिट जरूर करें, हॉस्टल को विजिट करें, देखें, सब कुछ देखने के बाद में भी प्लेसमेंट देख लें, यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट कैसा देती है। दोस्तों अपने देश में टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज हैं और किस तरह की वो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, अक्सर हम वक्त वक्त पर ये सब चीजें आपके सामने लेकर आते रहते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज पर वीडियो लेकर आते हैं, जिन भी वीडियोज पर आप हमें सजेस्ट करते हैं कि अगला वीडियो हम उस यूनिवर्सिटी या उस कॉलेज पर लेकर आए, उस पर हम वीडियो लेकर आते हैं और आपके डाउट्स को पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। हालांकि हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, डीम टू बी यूनिवर्सिटीज पर बनाई, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर बनाई और ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज पर भी वीडियो बनाई। और जब जब आपके सजेशन आते हैं, जब जब आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी पे हम एक वीडियो बनाएं और तब पता चलता है उस यूनिवर्सिटी के बारे में। ISBM एक यूनिवर्सिटी है दोस्तों। ISBM यूनिवर्सिटी हालांकि ज्यादा स्टूडेंट्स के बीच में फेमस नहीं है, क्यों फेमस नहीं है वो तो अभी आप आगे जानोगे, बहुत से डिटेल्स में हम बात करने वाले हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में। हालांकि जो ये यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ में स्थित है, छत्तीसगढ़ में हालांकि और भी कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बट ISBM यूनिवर्सिटी में ऐसा खास क्या है जिसके लिए बहुत सारे आपने हमें कमेंट किए, आप चाहते हैं ISBM यूनिवर्सिटी के बारे में जानना, यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज करवाती है, कौन कौन से यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स है, साथ में ही क्या UGC पर यूनिवर्सिटी के सारे डिटेल्स मेंशन है, अगर आपको कॉन्टेक्ट करना हो इस यूनिवर्सिटी से आप कैसे कॉन्टेक्ट करेंगे, ऐसी कई सारी डिटेल्स जो आपको अक्सर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाने पर भी नहीं मिलती, उन सब पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से। ISBM यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ में यूनिवर्सिटी स्थित है, ज्यादा कुछ जानने के लिए इस यूनिवर्सिटी के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों ISBM यूनिवर्सिटी के बारे में ज्यादा हम लोग डिटेल में चर्चा करें, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसे ही आप इसकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओगे, वेबसाइट पे जाने के बाद में एक नंबर डाला हुआ है जहां पर अप्लाई नाउ का मेंशन है ऊपर कोने में आप देखेंगे, और साथ में ही जैसे यूनिवर्सिटी विजिट करते हैं आप यहां पर वेबसाइट पर, तो चैट बॉक्स में भी कोई चैट करने के लिए आ जाता है। बट आप जब भी इस यूनिवर्सिटी के कॉन्टैक्ट अस पर आप जाए क्लिक करेंगे, जैसे आप जाए क्लिक करेंगे यूनिवर्सिटी के कॉन्टैक्ट अस में आप जाइए, तो कॉन्टैक्ट अस में जाने के बाद में आपको यूनिवर्सिटी का एड्रेस, फोन नंबर, मेल आईडी ये सब नहीं खुलता है, सिर्फ और सिर्फ टॉक टू अस टुडे ऐसा एक पेज खुल जाता है, बाकी डिटेल्स खुलकर नहीं आती है। पर मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी के अगर हम एड्रेस की भी बात कर लें तो चूरा नाम की जगह पड़ती है, गरियाबंद जगह है छत्तीसगढ़, और यूनिवर्सिटी जो है ये 2016 से चल रही है। वैसे यूनिवर्सिटी को बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी के जो पहले एक फाउंडेशन है, जो अल्फा फाउंडेशन, 2016 से वो यूनिवर्सिटी को चला रही है, छत्तीसगढ़ में यूनिवर्सिटी स्थित है। इस यूनिवर्सिटी को और डिटेल में जानने के लिए UGC पर आप जाइए। जैसा मैंने आपको पहले कई बार आपको बताया है कि अपने देश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज चलती हैं सभी को रेगुलेट करता है कौन, UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। और UGC कर कौन रेगुलेट करता है, UGC को रेगुलेट करता है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो UGC पर चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, अगर यूनिवर्सिटी की डिटेल्स अगर UGC पर अपडेट नहीं है, या फिर अगर यूनिवर्सिटी का नाम UGC की वेबसाइट पे नहीं है, तो यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, यही बोलता है 1956 का UGC एक्ट। अब कैसे आप चेक करेंगे, सबसे पहले आप जाके टाइप कीजिए www.ugc.ac.in। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे वहां पर आएगा स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी का एक कॉलम बना होगा, टैब्स बने हैं, यूनिवर्सिटीज पर जाइए, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी का क्लिक कीजिए। जैसे ही स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी का आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सभी स्टेट्स के नाम दोस्तों खुले हुए आ जाएंगे। यहाँ पर जाकर आप कहाँ क्लिक करना है, सीधे जाके आप क्लिक कीजिए छत्तीसगढ़ पर। छत्तीसगढ़ पे आप जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एक लिस्ट खुल जाएगी पूरी छत्तीसगढ़ में कितनी टोटल यूनिवर्सिटीज है। टोटल 15 यूनिवर्सिटीज चलती हैं छत्तीसगढ़ में, इनमें से काफी पर हमने वीडियोस हालांकि बनाई हुई है हमारे चैनल पर, आप जाओगे अब सब वीडियोस को वन बाय वन आप देख सकते हैं, या फिर आप जो प्लेलिस्ट होती है उसमें हमने छत्तीसगढ़ के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, उस पर क्लिक करेंगे सभी यूनिवर्सिटी के नाम आपके सामने आ जाएंगे। ISBM 7वें नंबर पर आता है, 7th नंबर पर लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी जो बनी है वो बनी है 9 सितंबर 2016 में। और यूनिवर्सिटी की और चौंकाने वाली बात दोस्तों ये है जो मैं आपको बताना चाहूँ कि जैसे ही आप मोर डिटेल पे क्लिक करते हैं यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पर कुछ भी डिटेल अपडेट है ही नहीं, मतलब यूनिवर्सिटी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन 0, VC इन्फॉर्मेशन 0 और रजिस्ट्रार इन्फॉर्मेशन 0। हालांकि इसकी अगर हम VC साहब की अगर बात करें, जो इनके पहले तो चांसलर की बात कर लीजिए, यूनिवर्सिटी के जो चांसलर है वो है विनय अग्रवाल और जो वाइस चांसलर है वो है धीरेन्द्र देश पांडे। और बात रही रजिस्ट्रार साहब की, तो यहाँ डिटेल अपडेट है ही नहीं,
यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी चलती है, 2016 में यूनिवर्सिटी बनी थी, कई तरह के प्रोग्राम चलाती है, कई तरह के कोर्सेज चलाती है, कौन कौन से कोर्सेज चलाती है, चलिए एक बार इस बात पर नजर डाल लेते हैं। पर दोस्तों इस चीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि यूजीसी पर यूनिवर्सिटी की डिटेल्स ही मेंशन नहीं है। क्यों नहीं है और क्यों अभी तक यहाँ पे कोई चीज अपडेट नहीं या फिर यूजीसी ने कोई स्पेशल कमेंट नहीं डाला, वो एक सोचने की और विचार करने वाली बात जरूर हो सकती है। बाकी और डिटेल में तो मैं आपको तभी बता पाऊंगा जब भी मैं इस यूनिवर्सिटी को पर्सनली विजिट करूंगा और जाएंगे यूनिवर्सिटी को देखेंगे, हॉस्टल विजिट करेंगे, यूनिवर्सिटी को विजिट करेंगे, फैकल्टी मेंबर से मिलेंगे, तभी बता पाएंगे। और बहुत जल्दी, हालांकि हमने यूनिवर्सिटी को मैसेज और मेल कर दिया है कि हम चाहते हैं 2022 और 23 का प्रोस्पेक्टस, ताकि डिटेल में बता सकूं 22 में कौन कौन से अप्रूवल्स थे, कौन कौन से कोर्सेज चल रहे थे, 23 में कौन से कोर्स चलने वाले हैं या 21 में कौन कौन से अप्रूवल्स थे, नया इस यूनिवर्सिटी के पास क्या हुआ है। अब हम जान लेते हैं कौन कौन से कोर्सेज में ये यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है। दोस्तों अगर हम यूनिवर्सिटी कोर्सेज के बारे में बात करें तो आपको ये जान लेना चाहिए कि कोई भी यूनिवर्सिटी जब बनती है, जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनती हैं, वो यूजीसी एक्ट 1956 के तहत सेक्शन 2F में सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनाई जाती हैं। और जब भी कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनती है तो उसके प्रपोजल में मेंशन होता है ये चीज, हालांकि कि सभी सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज या फिर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज और रिसर्च, जिसे हम बोलते हैं PhD, ये सभी कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाना चाहती है। प्री कोर्सेज भी हालांकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज मेंशन कर देती हैं अपने प्रपोजल में, और जिस भी यूनिवर्सिटी को यूजीसी का दर्जा मिल जाता है, यूजीसी लिस्ट पर आ जाती है, वो यूनिवर्सिटी इन सभी कोर्सेज में एडमिशन लेना शुरू भी कर देती है। पर वो यूनिवर्सिटी वो सभी कोर्सेज नहीं करा सकती जो काउंसिल कोर्सेज होते हैं। अब बात करते हैं काउंसिल रिलेटेड कोर्सेज कौन कौन से होते हैं, जैसे कि DEd, BEd, MEd, BPEd भी होता है, स्पेशल एजुकेशन होता है, LLB है, फार्मेसी सारे कोर्सेज होते हैं फार्मास्यूटिकल के, या BSc नर्सिंग होता है, ANM, GNM कोर्सेज होते हैं, B pharmacy होता है, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। इन सभी कोर्सेज के बारे में और डिटेल में अभी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर कोर्सेज पर वीडियोस देखना चाहते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी इंडिया पर सारी जो वीडियोस आती हैं वो यूनिवर्सिटीज पर आती हैं, कोर्सेज पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, दूसरा हमारा चैनल है काउंसलिंग इंडिया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप देख लें। और अगर डिस्टेंस एजुकेशन की कोई भी जानकारी चाहते हैं या ऑनलाइन एजुकेशन कोई जानकारी चाहते हैं तो हमारा एक चैनल है डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन इंडिया, आप उसको भी देख सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यूनिवर्सिटी कोर्सेज कौन कौन से करवाती है, क्या क्या मेंशन है, जानिए। इस यूनिवर्सिटी के पास सबसे पहले देखो स्कूल ऑफ कॉमर्स लिखा है यूनिवर्सिटी वेबसाइट। स्कूल ऑफ कॉमर्स का मतलब क्या है, बीकॉम एमकॉम आप कर सकते हो इस यूनिवर्सिटी से, सभी यूनिवर्सिटी करवाती है ये भी करवा सकती है। साथ में है स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब BBA MBA आप कर सकते हो इस यूनिवर्सिटी से, इसके लिए भी खास अलग से अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती। स्कूल ऑफ साइंस BSc MSc कर सकते हो। स्कूल ऑफ आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज, ये भी नॉर्मल कोर्स है, मतलब BA करना चाहते हो, MA करना चाहते हो किसी भी डिसिप्लिन किसी भी स्ट्रीम में। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मतलब इंजीनियरिंग डिप्लोमा, BTEC और MTEC, इसके लिए हालांकि AICTE की अप्रूवल जरूरत पड़ती है, पर यूनिवर्सिटीज को इसकी जरूरत नहीं पड़ती। इसके बारे में हमने डिटेल एक वीडियो बनाया हुआ है, AICTE कैसे काम करता है, आप उस वीडियो को देखेंगे आप जान जाएंगे। स्कूल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, इसके लिए भी कुछ खास जरूरत की नहीं है, BLIS BLIP जो कोर्स होते हैं वो करवाए जाते हैं। स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, BJMC होता है बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, और MJMC होता है मास्टर ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, वो कोर्सेज आप कर सकते हो, इसके लिए भी अलग किसी काउंसलिंग की जरूरत नहीं पड़ती। स्कूल ऑफ लॉ, स्कूल ऑफ लॉ मतलब LLB करवाना, LLM करवाना, इसके लिए अगर यूनिवर्सिटी के पास BCI का अप्रूवल नहीं है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तो यूनिवर्सिटी इस कोर्स को करा ही नहीं सकती, और फिर भी अगर करवाएगी तो यूनिवर्सिटी के ऊपर एक्शन हो सकता है, तो यूनिवर्सिटी ये गलती नहीं करेगी। अगला कोर्स है स्कूल ऑफ डिजाइन, मतलब क्या B design, B-dash टाइप की कोर्स कर सकते हो, इस पर भी हमने डिटेल वीडियो डाली हुई है अपने काउंसलिंग इंडिया चैनल पर, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ में है स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, साथ में है स्कूल ऑफ फार्मेसी, B pharmacy, D pharmacy, M pharmacy, तभी आप कर पाएंगे जब यूनिवर्सिटी के पास फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया का लेटर होगा, इसका अप्रूवल होगा, वरना आप ये कोर्स यूनिवर्सिटी से नहीं कर सकते। स्कूल ऑफ लाइफ साइंस ये कोर्स कर सकते हैं, इसके लिए भी खास कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। साथ में ही यूनिवर्सिटी कोर्स करवाती है स्कूल ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी, DNYS या BNYS, मतलब कि बैचलर इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज, काफी डिमांडिंग कोर्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग यूनिवर्सिटी से करते हैं। स्कूल ऑफ एजुकेशन भी मेंशन किया है यूनिवर्सिटी ने, मतलब कि BEd एमएड कराने के लिए यूनिवर्सिटी के पास NCTE का अप्रूवल होना चाहिए, वरना यूनिवर्सिटी ये कोर्स नहीं करा सकती। स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट, साथ में इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स, रिसर्च मतलब PhD की बात यहाँ पे कर रहे हैं, एकेडमिक फिलोसफी,
मतलब पीएचडी भी आप कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया यूजीसी का अप्रूवल अगर यूनिवर्सिटी के पास है तो यूनिवर्सिटी पीएचडी तो करा ही सकती है, एमफिल बंद हो गया है। पर दोस्तों मैं आपको बताऊं, किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर यहां पर यूजीसी पर सब इनकी डिटेल मेंशन होती भी तो भी मैं आपको ये बात बोलता कि बिना यूनिवर्सिटी विजिट करे और बिना यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर से मिले, जिस कोर्स में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं फैकल्टी मेंबर से आप जरूर मिलें, क्लास को विजिट जरूर करें, हॉस्टल को विजिट करें, देखें, सब कुछ देखने के बाद में भी प्लेसमेंट देख लें, यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट कैसा देती है, तभी एडमिशन ले। और साथ में ही आसपास की जो यूनिवर्सिटीज हैं और भी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनसे कंपेयर कर लें अपने आप को, अपनी इस यूनिवर्सिटी को, और आप जिस कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हैं उन सब में आप कंपेयर जरूर कर लें, ऐसे ही एडमिशन ना लें, कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ प्रॉब्लम हो जाए, एडमिशन लेने के बाद आपको पछताना पड़े। आप चाहते हो यूनिवर्सिटीज को कंपेयर करना, आप हमें भी व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिखकर डाल सकते हैं, हम आपको उसके रिप्लाई जरूर करेंगे, कोशिश करेंगे जो भी आप सवाल पूछेंगे उसका सही और सटीक जवाब हम आपको दे सकें, और बहुत जल्दी यूनिवर्सिटी विजिट करेंगे। यूनिवर्सिटी विजिट करने के बाद और डिटेल में इस यूनिवर्सिटी पर एक वीडियो लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे इंटरव्यू करने की रजिस्ट्रार साहब की, वीसी की और चेयरमैन साहब की, जो चांसलर है यूनिवर्सिटी के, ताकि स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी के बीच में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी रह सके। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार तक शेयर करेंगे, ताकि वो भी हर तरह के अपडेट जो आते हैं एजुकेशन में उसके लिए अपने आप को अपडेट रख सकें। दोस्तों अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो हम आपके लिए करा सके। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहें।